हेलो बच्चों, क्लास 11th। आज हम जो है सेट का एक्सरसाइज 1.2 और उसका इंट्रो समझ लेते हैं। ठीक है, पहले इंट्रो पढ़ेंगे और उसके बाद फिर इसे खत्म कर देंगे। ओके, तो पहला आपका है, थोड़ा इंट्रो पार्ट ले लेते हैं। तो एम्प्टी सेट है ना, एम्प्टी सेट या इसे बोलते हैं हम नल सेट और वाइट सेट। वाइट सेट, ओके, तो इस नाम से इसको बोलते हैं। ठीक है, तो नल सेट किसे बोलते हैं, तो पहले लिखते हैं इसकी डेफिनेशन। ठीक है, जैसे अ सेट विच डज नॉट हैव एनी एलिमेंट, मतलब एक सेट, वो सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो। अब आप बोलोगे कैसे पॉसिबल है, हम कुछ एग्जांपल लेंगे यहाँ पर। वो सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, ठीक है। तो चलिए हम इसको समझते हैं एक एग्जांपल के थ्रू। जैसे हमने एक सेट मान लिया x सच डेट x इज अ नेचुरल नंबर मोर देन 5 बट लेस देन 6। ओके, ठीक है। तो एक सेट उसने ए बोल दिया और बोल रहा है कि एक्स एक नेचुरल नंबर है, ठीक है, जो है 5 से बड़ा है लेकिन 6 से छोटा। मतलब एक्स जो है 5 से बड़ा है और 6 से छोटा, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं नेचुरल नंबर की, तो क्या होता है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड आगे चलता रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ पर बात करें, इसको देखे चलें, तो उसने बोला कि एक ऐसा सेट जो जिसमें ये सब x है, ओके, ये सब x है, मतलब एक ऐसा सेट जिसमें जो है x 5 से बड़ा होगा, 5 से बड़ा लेकिन 6 से छोटा। अब आप मुझे बताओ कि 5 से बड़ा तो 6 ही होता है ना, और 6 से छोटा पॉसिबल नहीं है ना। मतलब एक्स जो है 5 नहीं हो सकता और एक्स जो है 6 भी नहीं हो सकता, क्योंकि कंडीशन कुछ ऐसी बनी हुई है कि वो कह रहा है कि जो एक्स है वो 5 से बड़ा है 6 से छोटा। तो 5 से बड़ा तो 6 ही हुआ और 6 से छोटा बता रहा है, तो 6 से छोटा 5 हुआ। तो यानी कि 6 से बड़ा, 5 से बड़ा, 6 से छोटा, तो इनके बीच पे कुछ होगा, इनके बीच पे कुछ होगा। और पॉइंट में नेचुरल नंबर नहीं होते, ओके। तो हमें दिख रहा है कि स्टेटमेंट दिया गया था, लेकिन हमें क्या दिख रहा है कि ये पॉसिबल ही नहीं है, नॉट पॉसिबल। तो इस प्रकार का जो सेट होगा वो होगा एम्प्टी सेट, और एम्प्टी सेट को दिखाते हैं फाई, ओके, इसे दिखाते हैं फाई से। तो ये इसका टेबुलर फॉर्म है, एम्प्टी सेट का टेबुलर फॉर्म फाई, ठीक है। ये कौन सा फॉर्म हो गया, सेट बिल्डर फॉर्म, और ये आपका टेबुलर फॉर्म। चलिए अब इसको हम एक और एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। तो क्या निकला, ये आ गया फाइव। तो यहाँ पर हम एक सेट बी लेते हैं और उसे एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16, ओके, एक्स सेमी कॉलन एक्स स्क्वायर टू 16, वेयर एक्स इज अ ऑड नंबर, ओके। तो उसने दे दिया हमको एक्स सेमी कॉलन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16, फिर बोल रहे हैं आपसे कि x इज अ ऑड नंबर, ठीक है। तो पहले आप इसको सॉल्व करोगे, तो x स्क्वायर इक्वल टू 16 और x इक्वल टू प्लस माइनस 4, x इक्वल टू माइनस 4 और 4। तो भाई जरा बता दो मुझे, ये क्या है, x स्क्वायर इक्वल टू 16 है और वो ऑड नंबर बता रहा है, तो क्या यहाँ पर ये 4 ऑड नंबर है माइनस 4 और प्लस 4? नहीं, दोनों ही आपकी इवन नंबर है, एक नेगेटिव में एक पॉजिटिव में, ठीक है। तो ये इस प्रकार का सेट क्या हो गया, नल सेट। ये पॉसिबल ही नहीं है, ये पॉसिबल ही नहीं है कि जो है किसी कि एक्स स्क्वायर 16 का रूट जो है हमें ऑड नंबर दे दे, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। हाँ, अगर ऐसा होता कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9, देन हमें तब क्या मिलता, प्लस माइनस 3, तो 3 एक ऑड नंबर है तब ये सेट होता, ठीक है। ऑड माइनस 3 इसके एलिमेंट होते हैं, लेकिन अभी तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि इसने 16 बोला हुआ है और 16 का रूट तो हमें जो है इवन नंबर ही देगा, तो ये एक नल सेट हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार के सेट इन्हें बोलते हैं नल सेट, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं,
हम इसकी आज एक्सरसाइज भी खत्म करेंगे, ठीक है। तो आपका अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नहीं, अगला टॉपिक जो तुम्हारा, हाँ, ये आपका फाइनाइट एंड इनफाइनाइट, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स, ओके। इनके नाम से आपको आइडिया आ गया होगा। किसे बोलते हैं फाइनाइट? वो सेट जिसपे नंबर ऑफ एलिमेंट फिक्स होंगे, ठीक है। और किसे बोलेंगे इनफाइनाइट? जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट फिक्स नहीं होंगे, इनफाइनाइट, ओके। तो एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे ए इक्वल टू एक्स सच सेमी कॉलन एक्स, एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 10, ठीक है। ये कह रहा है इसमें कि x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 10, ठीक। तो लेस देन 10 कितना होगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये तो होगा, ठीक है। 10 से छोटे, 10 से छोटे, 10 से कम नेचुरल नंबर, तो ये फिक्स हो गया ना। हमको पता है कि 1 से लेकर 9 तक ये फिक्स हो गया, तो ये सेट कौन सा हो गया? ये हो गया आपका फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट फिक्स होंगे, ओके। अगर ये इसको ऐसे बोलता कि एक्स इज अ नेचुरल नंबर, एक्स इज अ नेचुरल नंबर, ठीक है। तो या ऐसे करते हैं, एक्स इज अ नेचुरल नंबर, चलो इसको पहले समझ जाता है, ठीक है। एक्स इज अ नेचुरल नंबर, अब ये कह रहा है कि एक्स एक नेचुरल नंबर है, तो वो कितने भी हो सकते हैं, वो तो कितने भी हो सकते हैं। और हम देख रहे हैं कि इसका एंड नहीं है, इसके एलिमेंट का एंड नहीं है, तो इस ये इस प्रकार का सेट होगा तुम्हारा इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, ठीक है। तो जिस सेट का एंड होगा वो होगा आपका फाइनाइट सेट, जिस सेट का एंड नहीं होगा वो होगा आपका इनफाइनाइट सेट, ठीक है। तो ये हो गया आपका। अब बात करते हैं हम इक्वल सेट की, इक्वल सेट्स, ठीक है। तो इक्वल सेट में क्या होगा, देखिए, सपोज एक सेट ए हो गया, इसमें एलिमेंट हैं 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। एक सेट बी हो गया, इसके एलिमेंट हैं 5, 4, 3, 2, 1, ठीक। एक सेट सी हो गया, इसके 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 एलिमेंट हैं 2, 3, 4, 5, 1, ठीक है। तो अगर हम गौर से देखें तो जो एलिमेंट ए के हैं वो एलिमेंट बी के भी हैं और वो एलिमेंट सी के भी हैं, ठीक है। यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना कि एलिमेंट का ऑर्डर क्या है, उससे मतलब नहीं है, मतलब ऐसे कि एक 1, 2, 3, 4, यहाँ ऑर्डर चल रहा है सीरियस, सीरियस में चल रहा है, और यहाँ पर ऑर्डर थोड़ा सा वो गए आगे पीछे हो गए, तो इससे मतलब नहीं पड़ता। एलिमेंट आप कहीं भी रखो पर एलिमेंट होने चाहिए, मतलब क्या, जब सेट ए के जो सारे एलिमेंट हैं अगर वही एलिमेंट सेट बी में हुए तो क्या होगा, ये इक्वल सेट होंगे, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। सेट एलिमेंट्स का ऑर्डर कैसे भी होगा, लेकिन अगर दो सेट के एलिमेंट एलिमेंट्स मैच करते हैं, सेम होते हैं, तो उन सेट्स को बोलते हैं इक्वल सेट, क्लियर, उन्हें बोलते हैं इक्वल सेट। और इसको दिखाते हैं ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, ठीक है, क्योंकि तीनों में एलिमेंट सेम हो रहे हैं ना, तो इक्वल सेट। तो ये आपका इक्वल सेट का कॉन्सेप्ट खत्म हुआ और हमारा इंट्रो पार्ट भी खत्म हुआ। अब शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.2, ठीक है। एक्सरसाइज 1.2, चलिए तो फिर शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ द नल सेट, ठीक है। इनमें से कौन सा नल सेट का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो मैं पहले क्वेश्चन लिख लेता हूं, है ना। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, तो पहले क्वेश्चन रीड करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ द नल सेट, नल सेट माने एम्प्टी सेट या वाइट सेट, ओके। हमको पता करना है कि इनमें से कौन से एग्जाम्पल है
नल सेट के, कौन से नहीं है। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन आपका सेट ऑफ ऑड नंबर, सेट ऑफ ऑड नंबर डिविजिबल बाय टू, बताओ क्या होगा ये। ये एम्प्टी सेट है, मतलब ये नल सेट है, मतलब कैसे, क्यों, क्योंकि इसने बोला ऑड नंबर है ना, ऑड नेचुरल नंबर कुछ भी, तो ऑड नंबर तो टू से डिवाइड नहीं होते, ठीक है, तो इसलिए क्या है ये नल सेट, ये हो गया हमारा नल सेट। ओके, सेकंड सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर किसे बोलते हैं, प्राइम नंबर वो नंबर जो सिर्फ अपनी ही टेबल से जाएगा, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 23 and so on, ठीक है, तो हमको ढूंढना है इवन प्राइम नंबर। अब इनमें से बताओ कि इवन प्राइम नंबर कौन है, देखो ये ऑड हो गया, ये भी ऑड हो गया, ऑड 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 ऑड, तो कौन सा हुआ इवन प्राइम नंबर, सिर्फ 2, 2 इवन भी है, और प्राइम क्या होता है, जो सिर्फ अपने आप से डिवाइड होगा, मतलब कि 2 अपने आप को डिवाइड करता है, 1 काउंट नहीं होगा, 1 को काउंट नहीं करते प्राइम नंबर में, ठीक है, तो इसका ये आपका नल सेट नहीं है, ये आपका नल सेट नहीं है, क्योंकि इसका एलिमेंट क्या है, इसमें एक एलिमेंट है, और नल सेट की डेफिनेशन के हिसाब से वो सेट जिसमें कोई एलिमेंट नहीं होगा उसे बोलेंगे नल सेट, लेकिन इसमें 2 आ रखा है तो ये एक नल सेट नहीं है। इसका आंसर होगा नॉट अ, इसका आंसर होगा नॉट अ नल सेट, ये नल सेट नहीं है क्योंकि इसका एलिमेंट 2 है एक, ठीक है। अच्छा, थर्ड, एक्स इज अ नेचुरल नंबर, एक्स इज स्मॉलर देन 5 एंड एक्स ग्रेटर देन 7, मतलब एक्स जो है 5 से छोटा, ओके, यहाँ देखो जरा, एक्स जो है 5 से छोटा, 5 से छोटा मीन्स जैसे 1, 2, 3, 4 हम मैनेज नहीं करेंगे, उसने बोला नेचुरल, हम मैनेज नहीं करेंगे या जीरो नहीं करेंगे, उसने क्या बोला है नेचुरल, ठीक है, तो 5 से छोटे ये तो हुए, और 7 से बड़ा, एक्स जो है 7 से बड़ा है, तो 7 से बड़ा ना 8, 9, ठीक है 10 चलता रहेगा। अब वो कह रहा है कि एक्स सेमी कॉलन, एक्स इज अ नेचुरल नंबर, ठीक है, एक्स एक नेचुरल नंबर है जो 5 से छोटा होगा और 7 से बड़ा होगा, बताओ, तो ये भी क्या है हमारा नल सेट है, ठीक है, कहाँ होगा बताओ। यहाँ पर एक ही क्वेश्चन में दो कंडीशन आ गई, एक तो एक्स जो है 5 से बड़ा हो रहा है, 5 से बड़ा 6 तो होगा, और 7 से एक्स जो है 5 से छोटा ना, तो 4, 3, 2, 1, और यहाँ पर जो है एक्स 7 से बड़ा, तो 8, 9, 10, तो ये एक ही क्वेश्चन में दो कंडीशन, ठीक है, तो ये पॉसिबल नहीं है, तो ये हमारा क्या है एक नल सेट है, ये हमारा क्या है एक नल सेट, ठीक। अच्छा जी, अब लास्ट में आ जाओ, वाई सेमी कॉलन वाई इज अ पॉइंट कॉमन टू एनी टू पैरेलल लाइंस, ठीक है, अब सुनो, किसे बोलते कॉमन पॉइंट, वो पॉइंट जो दो या दो से ज्यादा ऑब्जेक्ट्स या लाइंस, कोई भी चीज को एक ही पॉइंट होता है, जैसे माना ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, इनका पॉइंट एक है, पॉइंट ए, तो इसे बोलेंगे कॉमन पॉइंट, इसे बोलेंगे कॉमन पॉइंट। लेकिन अगर हम क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं तो उसने बोला है पैरेलल लाइंस, ठीक है, तो हम जानते हैं कि पैरेलल लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती नहीं है, है ना, पैरेलल लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती ही नहीं है, तो कॉमन पॉइंट बनेगा, कॉमन पॉइंट किसे बोलेंगे, अगर दोनों लाइन एक दूसरे को कट करती तो जिस पॉइंट पे कट करती वो होता हमारा कॉमन पॉइंट, बट लाइन पैरेलल है और हम जानते हैं कि पैरेलल लाइन एक दूसरे को कट करती नहीं है तो कॉमन पॉइंट भी नहीं होगा, तो ये हमारा है नल सेट, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर खत्म, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमने खत्म कर दिया, ठीक है, क्वेश्चन नंबर टू करते हैं अभी। ओके, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर टू, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट, ठीक है, तो फाइनाइट इसे बोलेंगे वो सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट की लिमिट होगी, मतलब हमें पता होगा कितने एलिमेंट्स हैं और जिसका एंड होगा मतलब, और उसे बोलेंगे हम फाइनाइट सेट, और वो सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स का पता नहीं होगा या जिसका एंड नहीं पता होगा वो होगा आपका इनफाइनाइट सेट, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखो इसका, द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ द ईयर, ऑफ अ ईयर, एक साल में महीनों के नाम क्या होगा, अरे भाई एक साल में 12 महीने तो होंगे, है ना, एक साल में 12 महीने तो होंगे, तो ये क्या हमारा, ये हमारा है फाइनाइट सेट,
फाइनाइट सेट, क्योंकि इसमें इसमें जो एलिमेंट्स हैं जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल ना, ये फिक्स है, ये 12 ही होंगे, तो ये क्या हो गया, फाइनाइट हो गया। इसको देखो जरा, क्या ये, क्या इसका एंड है, बोलो नो, तो इनफाइनाइट, ये क्या होगा, इनफाइनाइट सेट, इसका एंड ही नहीं है इसका, ठीक है। इसमें देखो 1 2 3 डेड डैश 99 100, इसका एंड है, ये 100 तक गिनती बीच में छोड़ दिए 4 5 6 7 8, इसका एंड है, तो ये क्या तुम्हारा फाइनाइट, ये है फाइनाइट सेट, ठीक। अच्छा, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100, अब बताओ पॉजिटिव इंटीजर का सेट 100 से बड़े वाले, 100 से बड़े नंबर वाले पॉजिटिव इंटीजर तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, जैसे 101 102 103 डैश डैश डैश, तो बहुत हो जाएंगे ना, तो हमें इसका एंड नहीं पता, हमें इसका एंड नहीं पता, तो ये क्या आपका, ये आपका इनफाइनाइट, ये इनफाइनाइट सेट है, क्योंकि हमें इसका एंड नहीं पता। क्वेश्चन बोल रहा है कि पॉजिटिव इंटीजर 100 से ज़्यादा, तो बहुत सारे हो सकते हैं, तो हमें इसका एंड नहीं पता, ठीक है, तो ये हो गया आपका इनफाइनाइट सेट। अच्छा, इसमें देखो द सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99, प्राइम नंबर का सेट जो 99 से छोटा हो, वो तो क्या, प्राइम नंबर किसे बोलते हैं, जो अपने ही टेबल से जाते हैं, जैसे क्या 2 3 5 7 9 sorry 9 नहीं 11 13 17 23 29 डेड एंड डेस, लेकिन 99 से छोटा, और हमें जो है एक पता है 97 जो आखिरी होगा, ठीक है, प्राइम में पूछ रहा हूँ, प्राइम नंबर जो अपने आप से ही होते हैं डिवाइड, ओके, तो ये हमें पता होगा कि इसने 99 से पहले खत्म हो जाना है, तो क्या तुम्हारा, ये हमारा हो गया फाइनाइट सेट, ये हो गया हमारा फाइनाइट सेट, ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 भी खत्म हुआ, ठीक है।